पूर्व सीएम शिवराज का एक और फैसला पलटने वाले हैं सीएम मोहन यादव। जाने किस फैसले को लेकर चर्चा हो गई तेज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक और फैसला पलटने जा रहे हैं। इस फैसले को लेकर कई विधायकों ने सीएम मोहन यादव से गुहार भी लगाई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक और फैसला पलटने जा रहे हैं। इस फैसले को लेकर कई विधायकों ने सीएम मोहन यादव से भी गुहार लगाई है। विधायकों ने सीएम मोहन से दोबारा सीपीए लागू करने की मांग की है। ऐसे में देखना होगा कि जिस योजना को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साल 2022 में बंद कर चुके हैं, उस योजना को सीएम मोहन यादव दोबारा चालू करेंगे। मंत्री कृष्णा गौड़ ने की मांग। आपको बता दें, सीपीए को लेकर कई विधायकों ने सीएम मोहन यादव से शुरू करने की गुहार लगाई है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौड़ ने सीएम मोहन यादव को एक पत्र के माध्यम से सीपीए को पुनर्जीवित करने की मांग की है। गौड़ ने मांग की है कि सीपीए को पुनः शुरू करके राजधानी के बाग बगीचों और जंगलों को विकसित किया जाए। आपको बता दें, सीपीए को पूर्व की शिवराज सरकार ने 2022 में बंद कर दिया था। फिलहाल इस मामले पर मुख्य सचिव वीरा राणा ने सीपीए की बैठक के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि सीपीए के विघटन और पुनर्जीवन की बात नहीं की गई है। विधायकों और मंत्री गौर की मांग के बाद देखना होगा कि सीएम पुराने सीएम शिवराज का फैसला पलटते हैं या फिर नहीं। क्या होता है सीपीए? सीपीए का गठन 1960 में किया गया था। इसका मूल काम राजधानी की सड़कों को बनाना, उनका रखरखाव मेंटेनेंस, बाग बगीचों को बनाना, बिल्डिंग बनाना, पुलियों का निर्माण कार्य करना और शहर को खूबसूरती देना जैसे कई काम सीपीए के अंतर्गत आते हैं। सीपीए के तहत ही राजधानी भोपाल में कई सड़कों और भवनों का निर्माण किया गया है।